गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है 17 अगस्त, सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर। आज बंदरों ने कर दिया मेरे प्लांट्स का बहुत सारों का नुकसान। ये वाला भी गिरा दिया था पूरा और मैं आई जल्दी से समेटा। और ये देखो, ये पर्सलेन गिलास में लगी हुई थी वो कल्याण कर दी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा हुआ था कॉक्सकॉम, वो पूरा तोड़ दिया। और यहाँ वो पर्पल हार्ट था, उसके ऊपर पूरा बैठ गया और तोड़ दिया जगह जगह से। और देखिए यहाँ पे कितना नुकसान किया है। ये पूरी तुलसी माँ ना अलग निकाल के फेंक दी थी मैंने, जल्दी से लगा दी, मैंने कहा हवा ना लग जाए कहीं जड़ों को। ये देखो पूरी मट्टी मट्टी हो रही है। और ये पर्सलेन लगा हुआ था, इसमें देखो सारा गायब कर दिया। और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, इस पर तो पूरा झूल ही गए। ये देखो, ये इस तरह खड़ा था, यूँ खड़ा था ये, और इस पर पूरा झूल गया। बताओ यार, इतना दुखी कर रहे हैं ना बंदर, मेरा सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो गया। ये देखो कितना हेल्दी था ये कॉक्सकॉम का प्लांट, देख रहे हो आप कितना हेल्दी है, जो यहाँ से टप में से तोड़ा है। ये देखो क्या करूँ मैं आखिरकार बंदर होगा। ये देखो यहाँ से तोड़ा है, ये यहाँ लगा हुआ था इतना अच्छा सा प्यारा सा, लेकिन कर दिया कल्याण। अब क्या कर सकते हैं, बंदरों से तो कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, मूड ही ख़राब कर सकते हैं अपना। तो आज है 17 अगस्त और मैं दे रही हूँ आपको गार्डन अपडेट। क्या ही गार्डन अपडेट है, पूरा कलेश हुआ पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो भैया आएंगे ही, नुकसान करेंगे ही, झेलना भी पड़ेगा, कुदरत है ना। तो ये देखिए, इसमें मैंने उगाई है ये अपराजिता की बेल का बीज मैंने डाला है। और ये देखो उग भी गई है। और यहाँ पर मैंने कटिंग की थी ना इसकी चांदनी की, तो यहाँ से देखो 3 शूट निकली है। और ये देख सकते हैं आप मेरे, ये देखिए कलियाँ निकल रही हैं न्यू, ये फूल का फूल निकल रहा है पता नहीं कैसे। ये देखिए काफ़ी अच्छा सब कुछ हो रहा था, लेकिन बंदरों ने कल्याण कर दिया। ये देखो मेरे सदाबहार तुलसी माँ की मैंने सारी कटिंग कर दी, क्योंकि बीज सारे निकाल दिए, बीज निकाल देने चाहिए वरना हेल्दी नहीं रहती तुलसी माँ। और ये देखिए मेरा सदाबहार, मैंने वाइट वाला और पिंक वाला यहाँ रख दिया ऊपर। और ये देखो कितने प्यारे से फ्लावर खिले हैं आज इसमें, मोगरा में 4-4, 5-5, है ना। और ये है मेरे सदाबहार के, ये देखो कितने हेल्दी थे, है ना, इससे भी ज़्यादा हेल्दी था वो भरा भरा, जो ये कॉक्सकॉम है ना इससे भी ज़्यादा भरा भरा था वो, जो तोड़ा है वहाँ पर पड़ा है वो। देखो इतना मूड ख़राब हो गया। और इसके मैंने सारे प्लांट निकाल दिए, क्योंकि ये इसको बढ़ने ही नहीं दे रहे थे सारी जान, वही खरीद रहे थे, कह रही हूँ वही अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर रहे थे। ये देखो इसमें लगा दिए मैंने। और ये वाला गमला मेरे को बगल वाली दीदी ने दिया है, तो मैंने सोचा इसमें क्या लगाऊँ, बीज लगाऊँगी तो बहुत दिन में उगेंगे, मैंने उसका निकाल के मैंने कहा इसकी जान भी नहीं खींचेंगे और इसमें लगा दिया, तो ये बड़े बड़े भी हो गए हैं। ये देखो काफ़ी है ना, ये मेरी गार्डन अपडेट है। और हम 15 अगस्त को घूमने गए थे, तो वहाँ से मैं कटिंग लाई थी, ये उसकी है वढ़ेलिया की कटिंग है, थोड़ी थोड़ी मुरझा रही है, देखो होती है कि नहीं। और भी एक दो कटिंग लाई थी वो दिखाती हूँ आपको, एक ये वाली कटिंग लाई थी उसकी है सॉन्ग ऑफ इंडिया की, वेरीगेटेड वाला है ये। ये देखो मेरा मनी प्लांट मैंने ऊन से बांध दिया है, तो अच्छे से अब चढ़ रहा है देखो, है ना। एक ये वाला लाई थी, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई यार, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ क्या बोलते हैं, अभी याद आ जाएगा। एरो हार्ट प्लांट आई थिंक, है ना, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, नहीं 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 पता नहीं, आप बताना कमेंट करके, एरो हार्ट बोलते हैं आई थिंक। ये देखिए मेरी सारी प्लांट्स अपडेट, ये मेरी केली है, ये मेरा केला है, और ये है मेरा हार सिंगार, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये देखो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, है ना, ये देखो जेड प्लांट में। और ये देखिए यहाँ मैंने अल्टरनेंथ्रा की कटिंग लगाई थी, देखो हो गई है, है ना। और ये मैंने यहाँ से कट कर दिया था बोगनविला, तो आप देख सकते हो ये फूट फूट के आ रहा है, ये देखो पूरी डाली फूट रही है ना, तो ऐसे आप भी बुशी बना सकते हो। और ये देखो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है मेरे बोनसाई में, कितनी अच्छी सी, ये पिंक वाला मैक्सिकन पुटूनिया गुड़हल। और ये यहाँ थोड़ी सी सेटिंग की है, और ये देखिए इसके भी सारे फूल नीचे गिरा गए,
वरना सुबह सुबह आई थी ना मैं 5:30 बजे 6 बजे जब ऐसा भर रहा था लद हलद, और अब देखो पूरा कल्याण कर गया बंदर। और मैंने उसकी क्या बोलते हैं इसको अल्टरनेंथ्रा की काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी, ये देखो हो गई हैं और ये यहाँ पे है, तो मैं देख रही थी कि होती है कि नहीं, लेकिन हो गई। आज ब्लू अपराजिता में तो ज़्यादा फूल फ्लार निकले नहीं हैं, वाइट वाले में निकले हैं। तो ये जो फ्लार है ना मैं तुरंत की तुरंत तोड़ती रहती हूँ, क्योंकि तुरंत तोड़ देने चाहिए वरना फली बनाने लग जाते, फिर ये फ्लार पे ध्यान नहीं देते, फ्लार ख़त्म होने लग जाते इसके। तो मैं नहीं चाहती अभी फ्लार ख़त्म हो, फ्लार अच्छे से दे, तो मैं कटिंग बीच बीच में इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही हूँ, मैं पिंच करती रहती हूँ करती रहती हूँ, तो बुशी हो रहा है खाली, आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखो कॉक्सकॉम, मुझे बड़ा पसंद है ये, इसमें ना फूल की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो फूल भी निकलता है इसमें, इसके पत्ते ही इतने खूबसूरत होते हैं कि पूछो मत। ये देखो मैंने नींबू बोया था तो वो उग गया है, और ये किस चीज़ का है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बीज काफ़ी सारे डाले थे और मैं भूल भी गई हूँ किस चीज़ के बीज डाले थे। और यहाँ से मैंने अपराजिता को कस के बांध दिया उनसे, देख सकते हो, क्योंकि ना ये फैल नहीं रहे थे, जितने भी सदाबहार हैं अब अच्छे से फैलेंगे। और ये मेरे सदाबहार के थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसका। और ये लालसा का प्लांट है, देखो कितना बुशी हो गया, एक ही डाली है खाली। और ये मेरे सब अपडेट है इसका, तो कल्याण कर ही दिया है, ये देखो सब तोड़ दिए, इसके ऊपर चढ़ गया, ये खड़े खड़े थे ये सारे, ये पूरे तोड़ दिए, ये देखो ये देखो ये देखो झूल रहा है पूरा बेचारा। और दिखाती हूँ, ये देखो तोड़ तोड़ के डाल दिए, ये देखो कितना अच्छा सा और हेल्दी सा प्लांट था, सब तोड़ दिए यार। ये देखो ना कितने अच्छे अच्छे पर्पल हार्ट थे, सब तोड़ दिए, दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखना कैसे झूल रहा है, देखना है ना, पता नहीं खड़ा होगा कि नहीं, ऐसे ही खड़ा कर देती हूँ, होगा कि नहीं भगवान जाने। टूट ही चुके हैं वैसे तो ये पूरे, पर कोई बात नहीं। ये देखो, और ये देखिए, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, ये देखो मैंने यहाँ से पिंच किया था तो ये 2 जगह से फूटा है। और ये देखिए मेरी आज की प्लांट्स अपडेट, बोगन भी लगे, ये फ्लार है, ये देखिए मैक्सिकन ब्रूनिया। चलिए कैसी लगी प्लांट्स अपडेट और ये तबाही बंदरों की, कमेंट में ज़रूर बताना अच्छी लगी हो तो, है ना। इस वाले प्लांट्स का बड़ा दुख हो रहा है मुझे, इतना हेल्दी था, हर किसी से हेल्दी था, आप देख सकते हो इसकी सूट कितनी सारी है निकली हुई है ना, वरना सारे तो डंडे डंडे से हैं, बस आगे से ही बढ़ रहा है। और ये इतना हेल्दी था, हर जगह से फूट रहा है, लेकिन कल्याण हो गया। पर इसको मैं फेंकूंगी नहीं, देखती हूँ कटिंग से ग्रो करके देखती हूँ, अगर हो जाता है तो, है ना। चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।